सो हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ जुजुत्सु काइसन की एक और मांगा रिव्यू वीडियो में। आई नो आप लोग टाइटल देख के सोच रहे होंगे कि क्या ये क्लिक बेट वाली चीज है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सच में गेटो सुगुरु ऐसे ऐसी बातें बोल रहा है कि देख के ऐसा लग रहा है कि उसको रॉजर बनना है, और ये चीज आपको इस वीडियो के अंत तक देखने को मिल जाएगी। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो चैप्टर स्टार्ट होता है अमानाई रिको के सीन से। अगर आपको नहीं पता कि अमानाई रिको कौन है, तो एक्चुअली में ये वो कैरेक्टर है जिसके साथ मास्टर टेंगेन की मर्जिंग होने वाली थी। मास्टर टेंगेन वन ऑफ द सुप्रीम बीइंग्स हैं इन द वर्ल्ड ऑफ जुजुत्सु काइसन। इसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगा। अभी के लिए ऐसा मानो कि मास्टर टेंगेन एक्चुअली में एक सुप्रीम बीइंग है जो कि कभी मर नहीं सकता। वो समय के साथ इवॉल्व होता है लेकिन उसकी जान नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी बॉडी ह्यूमन की है। तो समय के साथ वो ह्यूमन बॉडी इवॉल्व होकर कहीं ज्यादा खतरनाक ना कुछ बन जाए, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी को खतरा होने लगे। तो इसीलिए समय समय पे वो दूसरे ह्यूमंस के साथ मर्जिंग करता है। जब अमानाई रिको के साथ उसकी मर्जिंग होने वाली थी, ठीक उसी टाइम पे तोजी फुशीगुरो आ गया था और वहीं पर गोजो और तोजी की फाइट हुई थी, जिसकी वजह से अमानाई रिको की जान चली गई थी। एंड इसी वजह से गेटो सुगुरु विलेन बन गया था, जो कि आपको जुजुत्सु काइसन जीरो मूवी में देखने को मिलेगा। सो चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें एक आवाज सुनाई देती है, अगर मेरे को एक्सक्लूड कर दे तो क्या सच में आज से 12 साल पहले अमानाई रिको के अलावा और कोई प्लाज्मा वेसल नहीं था मर्जिंग को? जिस पे टेंगेन एक बहुत अजीब सा रिप्लाई देता है कि कोई उतना केपेबल नहीं था जितना अमानाई रिको थी। इसका मतलब मास्टर टेंगेन यहाँ पर ये बोलना चाहता है कि उस टाइम पर भी ऐसे ह्यूमंस थे जो कि मर्जिंग के लिए अवेलेबल थे, लेकिन उनमें से कोई भी अमानाई रिको जितना केपेबल नहीं था। मतलब अमानाई रिको के बॉडी में कोई तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से मास्टर टेंगेन उसके साथ मर्जिंग करना चाहता था, जिसमें उतना ही पोटेंशियल हो जितना रिको में था। और फिर यहाँ मांगा का फर्स्ट पैनल स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सुकुमो को। सुकुमो यहाँ पर मास्टर टेंगेन से ये चीज करती है कि आखिर आपने ऐसा रिस्क क्यों लिया, और इवन दो अगर अमानाई रिको मर गई थी तो आपने मर्जिंग को क्यों रोका? तो मास्टर टेंगेन उसको बताता है, देखो मैंने इसको रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं एक स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज हो जाता तो सिर्फ मेरी इमोर्टल बॉडी रीसेट हो जाती और वो एवोल्यूशन रुक जाता जो कि सिंपल टाइम चलने के साथ होता रहता है। खैर इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि अगर मैं इवॉल्व हुआ तो मैं ह्यूमैनिटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनूंगा, लेकिन फिर भी अगर मर्जर फेल होता है और मेरी एवोल्यूशन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं अपने बैरियर टेक्निक का यूज करके अपने रैशनल माइंड को प्रोटेक्ट, अपने रैशनल माइंड को प्रिजर्व करके रखूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हार मान ली और मर्जिंग को छोड़ दिया, बस ये चीज मैंने एक्सेप्ट कर ली कि जिस तरह से मौसम बदलते रहते हैं उसी तरह से मेरा एवोल्यूशन कुछ ऐसा है जो कि एक ना एक दिन होना ही है। जिसपे सुमी को एक कप चाय निकालती है, उसे जोर से पीती है और फिर वो गुस्से में बोलती है, व्हाट द फक इज दिस, तुम्हारी वजह से लौंडों को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, और अब जब इतना सारा कांड हो गया तब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा दिमाग जगह पे है, और जब तुम अपने काम में फेल हो गए तब तुम कह रहे हो चलो ठीक है मर्ज नहीं करते हैं। अगर तुम इसको रैशनल थिंकिंग कहते हो तो मेरे अंदर तेरे से ज्यादा दिमाग है बुढ़ाऊ। इस पे टेंगेन उसको रिप्लाई करता है, देखो मेरा जेंडर से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बुढ़ाऊ नहीं बुढ़िया हूँ। खैर ये थोड़ा सा अजीब था। सुमी को यहाँ पर आगे बोलती कि अगर तोजी फुशीगुरो के ग्रुप वालों ने ये डिसाइड किया होता कि वो इन वेसल्स को, यानी कि जो मर्जिंग में यूज होने वाले ह्यूमंस है, अगर वो इनको प्रोटेक्ट करेंगे ना कि उन्हें जान से मारेंगे, तो हो सकता हूँ मैं उनके साइड से काम करती। टेंगेन आगे बोलता कि सुमी को तुम तो उन लोग की आवाज सुन सकती हो ना जिनके साथ मैंने ऑलरेडी मर्जिंग की है, क्योंकि मैं उनकी आवाजें नहीं सुन पाता, या फिर मैं ऐसा बोलूं तो ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि मैं उन्हें जान पाऊं, क्योंकि एक बार मर्जिंग हो गई तो उनकी बॉडी कम्प्लीटली मेरी हो जाती है। तो यहाँ पर सुमी को उसको रिप्लाई करती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि उनकी आवाजें क्या कह रही हैं? अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो जो भी स्टार प्लाज्मा वेसल्स तुम्हारे साथ मर्ज हुए हैं, भले ही मर्जिंग के बाद उनके साथ अच्छा हुआ हो या बुरा, तो तुम अपनी सारी गलतियों का कोई ना कोई बहाना खोज लोगे। नहीं टेंगेन, मैं तुम्हारी जिंदगी इतने आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी जिंदगी यही सोचो कि जितने लोगों के साथ तुमने मर्जिंग की है आखिर उन लोग के साथ क्या हुआ। तो यहाँ पर दो काफी बड़ी चीजें रिवील होती है। सबसे पहली चीज कि मास्टर टेंगेन एक फीमेल कैरेक्टर है, जिससे ये चीज निकल कर आती है कि आखिर क्यों जितने भी स्टार प्लाज्मा वेसल्स थे वो सभी के सभी फीमेल्स थे। इसके अलावा सुमिको भी एक स्टार प्लाज्मा वेसल रह चुकी है, ऑल्दो उसके साथ मर्जिंग नहीं हुई थी मास्टर टेंगेन की। सो यहाँ पर एक बात और निकल के आती है कि मास्टर टेंगेन को अब मर्जिंग की कोई जरूरत नहीं है। वो 12 साल पहले भी मर्जिंग कर सकता था जब गेटो सुगुरु विलेन बना था, बट स्टिल उसने मर्जिंग ना करने का चूज किया, इवन दो और भी कई सारे वेसल्स अवेलेबल थे। आई डोंट नो इस बुढ़िया के दिमाग में क्या आया होगा, इवन जब एक लड़की की जान चली गई, इतना बड़ा बड़ा कांड हो गया, तब जाके इस बुढ़िया को
दिमाग आया कि ठीक है अब मर्जिंग नहीं करते, जिसकी वजह से यहाँ पे सुमिको का दिमाग खराब है। इसके बाद मांगा का सेकेंड और इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पे एंट्री होती है गेटो सुगुरु एके केंजाकू की। सो यहाँ पर घुसते ही केंजाकू बोलता है कि चोसो तुमने काफी जी लिया है और अब मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो अगर आप भूल गए कि चोसो कौन है, सो चोसो एक्चुअली में उस कर्स्ड स्पिरिट का भाई है जिससे इतादोरी और नोबारा ने एपिसोड नंबर 23 में फाइट किया था। और चोसो को आगे जाके ये रियलाइज होता है कि इतादोरी भी उसका भाई है। सो यहाँ पर ऐसे काफी सारे मिक्स्ड चीजें आ रही थी कि आखिर इतादोरी की फैमिली कहाँ से आई हुई है, जिसके बारे में हम कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो यहाँ पर चोसो गेटो को बोलता है कि तुम्हारे इंटरेस्ट की माँ की चूत, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर तुम्हें जान से मारने की खुजली हो रही है। जिसपे गेटो एनोय होकर बोलता है टेंगेन कहाँ पर है, जिसपे चोसो उसको रिप्लाई करता है कि उस अंगूठे को तेरे से बात नहीं करनी। केंजाकू उसको आगे बताता है कि देखो कलिंग गेम का काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जो भी जापान के नॉन सोर्सरर्स की मर्जिंग के लिए प्रिपरेशन चाहिए थे वो सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। जो कि चोसो सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है, आखिर यूजी और बाकी सब ठीक ठाक है या नहीं। सो यहाँ पर केंजाकू के अकॉर्डिंग कलिंग गेम का सारा काम खत्म हो चुका है। अगर आपको पिछला वाला चैप्टर याद हो तो वहाँ पे अचानक से 807 लोगों ने कलिंग गेम को ज्वाइन कर लिया था। सो दिस बेसिकली मींस कि जो यूएसए की जो इन्वेजन होने वाली थी जापान में वो उसी वक्त हुई थी और वो डेट था नवंबर 14। और इस चैप्टर में जो डेट दिखाया जा रहा है वो है नवंबर 16, यानी कि दो दिन के अंदर कुछ ऐसे ऐसे कांड हुए हैं जिसकी वजह से कलिंग गेम का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। नाउ कलिंग गेम में अगर आपको पता हो तो जब भी कोई भी यूजर एक दूसरे से फाइट करते हैं तो वहां पे उस बैरियर के अंदर जो भी कर्ज एनर्जी है वो इवॉल्व होती है। सो यहाँ पे मुझे केंजाकू का थोड़ा प्लान समझ में आ रहा है कि उसने क्या किया। उसने यूएसए को एनर्जी के नाम पे मैनिपुलेट किया और यूएसए ने जैसे ही जापान में इन्वेड किया और वो जैसे ही इस बैरियर के अंदर गए ताकि वो इन सोर्सरर से फाइट कर पाए और तुरंत ही सारे बैरियर्स में जो कर्ज एनर्जी है वो इवॉल्व हुआ है। इसका मतलब केंजाकू को ऑलरेडी पता था कि ये सारे के सारे जूसू सोर्सरर मिलके कोई ना कोई प्लान करेंगे एंड इसीलिए उसने अमेरिका को मैनिपुलेट करना शुरू किया था ताकि उसका ये सारा प्लान जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो पाए, जो कि लिटरली अमेरिका के इन्वेट करते ही दो दिन के अंदर कंप्लीट हो गया। अब केंजाकू के अकॉर्डिंग अगर अब वो मास्टर टेंगेन को किडनैप कर लेता है तो टेक्निकली ये जूसू सोर्सरर्स की हार होगी, उनका पूरा कंट्री खत्म हो जाएगा या हो सकता हो पूरी दुनिया भी खत्म हो जाए। सो अगर आपको गोजो पास्ट आर्क याद हो, वैसे उसके ऊपर तो ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है नहीं यूट्यूब पे, तो मैं कभी बना दूंगा उस पे वीडियो, तो वहां पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सुमिको, जो कि आपको इस वीडियो के स्टार्ट में देखने को मिली थी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर सभी जितने भी ये नॉन जूसू सोर्सरर्स हैं ये सभी बहुत ज्यादा कर्ज एनर्जी लीक करते हैं, जिसकी वजह से ये कर्ज स्पिरिट्स का जन्म होता है। बट अगर ये सभी के सभी जूसू सोर्सरर बन जाए, यानी कि कर्ज एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाए, तो ये सारे जूसू सोर्सरर का हिसाब भी खत्म हो जाएगा और हमें किसी को बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारी बात इसने गेटो से बोली थी जब गेटो सच में गेटो ही था और वो बहुत ज्यादा परेशान था जब अमानाई रिको की डेथ हो गई थी, यानी कि तोजी ने उसका मर्डर कर दिया था। लेकिन केंजाकू का यहाँ पर तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। केंजाकू ये नहीं चाहता कि कर्ज्ड स्पिरिट्स ही खत्म हो जाए, वो चाहता है कि वो किसी तरह से ह्यूमैनिटी को इन्वॉल्व कर ले, या फिर मैं कह रहा हूँ जूसू सोर्सरर्स को या कर्ज्ड स्पिरिट्स को इन्वॉल्व कर ले और उनसे वो कुछ नए टाइप का क्रिएचर बना पाए, जो कि उसने कर्ज्ड वोम के साथ करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो एपिसोड नंबर 23 में जो कर्ज्ड स्पिरिट्स है जिससे फाइट हुई थी, जिसके पीठ पे भी एक चेहरा था, उस टाइप के बींग्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें से एक चोसो भी है जिससे अभी ये करेंटली फाइट करेगा। बट अपेरेंटली वो जो रिजल्ट निकला उस एक्सपेरिमेंट का वो इतना यूनिक नहीं था जो कि केंजाकू को चाहिए था। ना अगर आप थोड़ा सा आप चैप्टर नंबर 145 को याद करो, जिसमें सच में बहुत ज्यादा लिखा हुआ, ये ऐसा मांगा जिसमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट होता है, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सो वहाँ पे मास्टर टेंगेन ने बोला था अब मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले था, मतलब मास्टर टेंगेन इतना इवॉल्व हो चुका है कि अब उसकी सोल एक मेटाफिजिकल स्टेट में, मतलब वो उस बॉडी में नहीं है, वो इस दुनिया के साथ मर्ज हो चुकी है। और वो जो हम बॉडी उसकी देखते हैं वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मास्टर टेंगेन के पास बैरियर टेक्निक्स है जिसके थ्रू वो इस बॉडी को मेंटेन कर पा रहा है। अब अगर केंजाकू ने उसकी मर्जिंग करा दी, वो भी 100 मिलियन पीपल से, जो कि पूरे जापान की मतलब कर्ज स्पिरिट्स की जो पॉपुलेशन है, सॉरी कर्ज यूजर्स की जो पॉपुलेशन है, अगर उनके साथ इनकी मर्जिंग हो गई तो ये सभी लोग तो वैसे एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे, यानी कि 100 मिलियन पीपल खत्म हो जाएंगे, बट एक्चुअली में ये सब लोग एक अदर जगह पर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसको अभी के लिए सिर्फ हम एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड कहेंगे। यहाँ पे ऐसा होगा जैसा कि आपने स्ट्रेंजर थिंग्स में देखा होगा कि एक हाइव माइंड क्रिएट होगा, यानी कि सारे के सारे ह्यूमंस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अब यहाँ पर टेंगेन के अकॉर्डिंग अगर एक भी बंदे का दिमाग खराब हुआ, और ये चीज आप इमेजिन करो कि 100 मिलियन लोग हैं, इसमें से कितने लोग का दिमाग खराब होगा, और क्योंकि ये सारे दिमाग आपस में कनेक्टेड हैं
तो पूरी दुनिया में कितना बड़ा कांड होना चालू हो जाएगा ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यही सेम चीज पास्ट इसी चैप्टर में केंजाकू ने भी बोली थी कि वो जापान के लोगों को अदर साइड में भेज देगा, लेकिन ये तो टेंगेन का कहना था कि टेंगेन कुछ ऐसा मर्जो के बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे केंजाकू क्या चाहता है ये मैं आपको बताता हूँ। टेंगेन जब इवॉल्व हो चुका है तो अब वो कर्स्ड स्पिरिट ज्यादा रेदर देन ए ह्यूमन, जो कि उसने खुद भी बोला कि अब उसकी सोल ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो अब क्या होगा कि अगर ये जापान के नॉन सोर्सरर्स जो कि ज्यादा कर्स एनर्जी लीक करते हैं अगर ये टेंगेन के साथ मर्ज हो जाते हैं, तो अब क्योंकि मास्टर टेंगेन भी अब एक कर्स्ड स्पिरिट बन चुका है इवॉल्व होने के बाद, मतलब वो कर्स्ड स्पिरिट ज्यादा रेदर देन ह्यूमन, तो 100 मिलियन लोगों से मर्ज होने के बाद मास्टर टेंगेन एक अलग लेवल का डेंजरस कर्स्ड स्पिरिट बनेगा जिसके अंदर 100 मिलियन लोगों की कर्स्ड एनर्जी होगी। एंड इस चीज को उसने नाम दिया है उजुमाकी। और इस इवॉल्व कर्स्ड स्पिरिट से मैं कुछ एक्सट्रैक्ट भी कर लूंगा, सो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने को थोड़ा सा ध्यान देना। तो क्योंकि ये गेटो सुगुरु की बॉडी में, तो ये इस डेंजरस कर्स्ड स्पिरिट को भी अब्सॉर्ब करना चाहता है, और वो ये इमेजिन करता है कि आखिर ये कर्स्ड स्पिरिट किस तरह का दिखेगा। वो खुद को इवन कंपेयर करता है कि मैं एक छोटे बच्चे जैसा हूँ जिसके सामने एक खाली शीट है और उसके हाथ में एक क्रेयॉन है, अब वो कुछ भी ड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ पे जो ये उजुमाकी वाला क्रीचर है काफी हद तक एरन के फाउंडिंग टाइटन जैसा दिख रहा है। तो इतनी सारी बकचोदी सुन के चोसो से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, आखिर तुम चाहते क्या हो, आखिर ऐसा कौन सी चीज है जो कि तुमको इतने बड़े बड़े कांड करने में मोटिवेट कर रही है केंजाकू। इस पे केंजाकू उसको रिप्लाई करता है, मुझे देखना है कि क्या होगा, मैं जानता हूँ कि ये कुछ बहुत ही अमेजिंग होगा, लेकिन जब तक मैं इसे अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक मैं श्योर नहीं होऊंगा। जिस पे चोसो उसको बोलता है कि अगर तुमने इतने सारे लोगों को मर्ज किया और इसका रिजल्ट कुछ एक क्लाउन जैसा चीज बन के बाहर आया तब तुम क्या करोगे, मतलब टेक्निकली अगर वो फेल हो गया तो तब तुम क्या करोगे। इस पे केंजाकू उसको रिप्लाई करता है कि मैं तो बस हंसूंगा जस्ट लाइक रॉजर। और इस पॉइंट तक चोसो का दिमाग अब खराब हो चुका था। फिर लास्ट लाइन है स्ट्राइक ऑफ ब्लड टू एंड दिस साइड शो के साथ चैप्टर नंबर 202 खत्म। सो केंजाकू का जो लास्ट रिएक्शन था वो काफी अमेजिंग था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उसका इतना बड़ा सा एक्सपेरिमेंट, इतना सारा प्रिपरेशन, सालों की मेहनत, अगर वो सब कुछ फेल हो जाए तो वो सिर्फ हंसेगा। दैट वाज लिटरली लाइक वन ऑफ द रॉजर मोमेंट। जब मैंने इस चैप्टर को एंड तक पढ़ा मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं गोल्डी रॉजर को तो नहीं देख रहा। ऑल्दो केंजाकू बहुत ही वाहियात कैरेक्टर है अगर हम उसको रॉजर के लिए कंपेयर करें तो, बट स्टिल आई एम रियली अमेज्ड टू सी कि आखिर किस टाइप का क्रीचर यहाँ पे केंजाकू बनाना चाहता है, और आखिर उन 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि इतादोरी की पूरी टीम हार गई। आई कांट इवन इमेजिन कि युता ओकोत्सु वहां पर हार कर बैठा हुआ है और ये लोग अभी तक गोजो को नहीं छोड़ा पाए। यूएस इन्वेजन के बाद इन जोसू सॉर्सर के साथ बहुत ही बड़े बड़े कांड हुए हैं जिसकी वजह से पूरे के पूरे 2 दिन में ये पूरा कलिंग गेम का हिसाब ही खत्म हो गया। सो नाउ आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आखिर इन 2 दिनों में क्या हुआ है, यानी कि नवंबर 14 और 16 में ऐसा क्या हुआ कि केंजाकू का सारा प्लान सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। पहले उसके लिए नेक्स्ट चैप्टर का वेट करना पड़ेगा एंड आई गेस नेक्स्ट चैप्टर ब्रेक पर नहीं है। सो गाइस दैट वाज इट फॉर द चैप्टर नंबर 202 रिव्यू ऑफ जुजुत्सु काइसन मांगा। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। जुजुत्सु काइसन की मांगा थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है तो आपको इस चीज को समझने में शायद इस वीडियो को 2 या 3 बार देखना पड़ सकता है। अदर देन दैट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको जुजुत्सु काइसन पे और भी कई सारे अमेजिंग वीडियोस चाहिए या फिर नहीं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मुझे डिस्कॉर्ड एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, और इंस्टाग्राम पे यार लिटरली 1500 फॉलोअर्स होने वाले हैं तो जल्दी से 2000 करा दो यार। 50 सब्सक्राइबर हो रहे तो 2000 फॉलोअर्स तो करा ही दो इंस्टाग्राम पे। एंड डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे और गजब के कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।